इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में, ऑल अबाउट कीबोर्ड। तो फर्स्ट पार्ट वन में हमने जान लिया था व्हाट इज कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या होता है, कौन कौन से की होते हैं, कौन कौन से की को क्या बोला जाता है, टाइप ऑफ कीबोर्ड, कितने टाइप के कीबोर्ड होते हैं, और हमने कीबोर्ड लेआउट, कीबोर्ड के कौन कौन से लेआउट होते हैं, इसके बारे में भी हमने जान लिया था पार्ट वन में। अगर पार्ट वन को आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहे हैं, उसको जाके आप लोग पहले देख सकते हो, फिर इसके बाद इसको देखने तो ज़्यादा समझ में आएगा। और कीबोर्ड के बारे में पूरा जानने वाले हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन, टाइप ऑफ कीबोर्ड कितने, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, पहले वीडियो में हमने जाना था, एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। F1 से F12 तक को फंक्शन की बोला जाता है, और जो कोने में रहते हैं इसको एस्केप की बोला जाता है, कोई से प्रोग्राम को एस्केप करने के लिए। और यहाँ से जो की होता है अल्फान्यूमेरिक की होता है, अल्फान्यूमेरिक की, और कंट्रोल आल्ट शिफ्ट ये सब बटन को कॉम्बिनेशन की कहा जाता है या मॉडिफायर की बोला जाता है, और इसको एरोस की बोला जाता है, इसको स्पेशल की बोला जाता है, इस साइड के जो अल्ट आपको जो इंसर्ट बटन है, अप एरो, होम, एंड, ये सबको, और इसको बोला जाता है न्यूमेरिक कीपैड, जिसमें नंबर लिखा रहता है, माइनस प्लस रहता है। तो हम लोग जानते हैं अल्फान्यूमेरिक की क्या होता है, अल्फान्यूमेरिक का मतलब क्या होता है, अल्फान्यूमेरिक का मतलब होता है अल्फा प्लस नंबर, अल्फा प्लस दो शब्दों से मिलकर बना है हमारा अल्फान्यूमेरिक, अल्फा प्लस नंबर। कीबोर्ड का ऐसे पार्ट्स को हम लोग अल्फान्यूमेरिक बोलेंगे जिसमें अल्फाबेट्स भी आते हैं और नंबर स्किज भी होते हैं, उसको अल्फान्यूमेरिक बोलते हैं। जैसे कि हमारा पूरा अल्फान्यूमेरिक हम लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा रहे हैं, जिसमें इसमें देखो ABC A to Z है, नंबर भी है, तो इतना को इस कीबोर्ड को बोलेंगे अल्फान्यूमेरिक, जिसमें A to Z रहेगा, 0 से 9 तक नंबर भी रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, अल्फान्यूमेरिक की। आई होप आप लोग समझ गए, अल्फान्यूमेरिक का मतलब अल्फा प्लस नंबर, जिसमें दोनों होते हैं उसको बोलते हैं अल्फान्यूमेरिक। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, आपको व्हाट्सएप मतलब ये नोट्स सेंड कर दिया जाएगा। हम लोग जाते हैं फंक्शन की, फंक्शन की किसे बोलेंगे, फंक्शन की F1 से फंक्शन की कीबोर्ड में 12 होते हैं, F1 से F12 तक की को फंक्शन की कहा जाता है। F का मतलब है फंक्शन, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, और हर एक फंक्शन का अलग अलग यूज़ होता है। तो आने वाले किसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे पूरा प्रैक्टिकल के साथ करके देखेंगे फंक्शन की का यूज़ क्या क्या होता है, कौन से फंक्शन की का। तो आप लोगों को याद रखना है फंक्शन की 12 होते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड में, उसके बाद आते हैं कॉम्बिनेशन की या मॉडिफायर की। कॉम्बिनेशन की या मॉडिफायर की का मतलब होता है जो हमारा कीबोर्ड में होता है, कंट्रोल शिफ्ट विंडो ऑल्ट, ये सब की को मॉडिफायर की बोला जाता है, मॉडिफायर की या कॉम्बिनेशन की, क्योंकि इसका यूज़ हम लोग कॉम्बिनेशन के साथ करते हैं, जैसे कंट्रोल ए कंट्रोल बी, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन की बोला जाता है। उसके बाद आता है नेविगेशन की या स्पेशल की, नेविगेशन की का मतलब स्पेशल की जो हमारे कीबोर्ड में रहता है, होम, पेज अप, डिलीट बटन, इन बटन, पेज डाउन, इंसर्ट, एरोस की, तो ये सबको स्पेशल की या नेविगेशन की बोला जाता है, या तो इसको हम लोग एरोस की भी बोलते हैं, ये वाले को अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, ये सबको एरोस की भी बोल सकते हैं, या नेविगेशन की में भी हमारा अंतर्गत ही आ जाएगा एरोस की। उसके बाद स्पेशल की का यूज़ क्या क्या है, होम, होम की का यूज़ कर्सर को स्टार्टिंग लाइन में लाने के लिए, अगर हम लोग इस लाइन पे मान के चलते हैं तो होम पे लाने थे, यहाँ लास्ट में, तो होम पे क्लिक करेंगे तो हमारा लाइन कर्सर फर्स्ट पे आ जाएगा, इन पे क्लिक करेंगे तो लास्ट पे आ जाएगा। उसी तरीके से एक पेज को ऊपर जाने के लिए पेज अप, एक पेज नीचे जाने के लिए पेज डाउन, कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी होता है और शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट होता है, जैसे कंट्रोल सी से हमारा कॉपी होता है, उसी तरीके से कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, तो कॉपी करने का दूसरा तरीका है कंट्रोल इंसर्ट और कंट्रोल शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट होता है। प्रिंट स्क्रीन का यूज़ क्या, प्रिंट स्क्रीन जो स्पेशल की होता है, इसका यूज़ जो है कंप्यूटर के करंट स्क्रीन को स्क्रीनशॉट लेने के, स्क्रीन को प्रिंट करने के लिए जो प्रिंट स्क्रीन का यूज़ होता है। इंडिकेटर की, इंडिकेटर की किसे बोलेंगे आप, इंडिकेटर की का मतलब होता है जैसे हम लोग नम लॉक को ऑन करते हैं तो हमारा इंडिकेट करता है कि अल्फाबेट में, अल्फाबेट को स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में लॉक करने के लिए होता है नम लॉक का यूज, इसी को बोला जाता है इंडिकेटर की। इंडिकेटर तीन लाइट होता है हमारे कीबोर्ड में, तीनों चलता है, इंडिकेटर की को प्रेस करना इंडिकेट करता है कि हाँ ये फंक्शन ऑन हो गया है, जैसे नम लॉक को प्रेस करते हैं तो उधर से इंडिकेटर में हमारा जो नंबर लॉक रहता है ऑन हो जाता है, उसका लाइट जल जाता है। उसी तरीके से कैप्स लॉक होता है और स्क्रॉल लॉक होता है, तीन इंडिकेटर की होते हैं, नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग न्यूमेरिक कीपैड, यहाँ से जैसे हम लोग नम लॉक को न्यूमेरिक कीपैड में हमारे इस तरीके से न्यूमेरिक कीपैड बोलेंगे जिसमें नंबर होते हैं, आपका प्लस माइनस इंटर बटन भी होता है, यहाँ से तीन लाइट दिया रहता है, थ्री लाइट, ये तीन लाइट, जैसे ही नम लॉक को पहला लाइट हमारा रहता है नंबर लॉक का, जैसे यहाँ से नम लॉक ऑन किया था हमारा फर्स्ट लाइट जल जाता है, उसके बाद दूसरा लाइट रहता है स्क्रॉल लॉक का, स्क्रॉल लॉक को प्रेस किया तो हमारा लाइट जल जाता है, दूसरा लाइट जो रहता है कैप्स लॉक का रहता है, कैप्स लॉक को प्रेस किया तो हमारा ये लाइट जलता है, और तीसरा जो लाइट रहता है स्क्रॉल लॉक का, ये लाइट जलता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका क्या क्या है, और सबका यूज़ यहाँ पे कीबोर्ड का एक्स्ट्रा की, कीबोर्ड में जो एक्स्ट्रा की होते हैं ये सबका यूज़ दिया गया। स्पेस बार, जो बड़ा सा कीबोर्ड में की होता है सबसे लंबा की, उसको बोला जाता है स्पेस बार, स्पेस देने के लिए। इंटर की, इंटर की आप लोग जानते होंगे, ओके बटन जो होता है हमारा। कंट्रोल की, कंट्रोल की का यूज़ जानते हो, कंट्रोल का यूज़ अकेले को यूज़ नहीं, कंट्रोल ए के साथ करते हैं तो होता है। शिफ्ट की, शिफ्ट की का भी आप लोग जानते हो, किसी शिफ्ट के साथ किसी की को प्रेस करते हैं, ए को कैपिटल में करते हैं, शिफ्ट ए को प्रेस किए तो कैपिटल में हो जाता है ये। बैक स्पेस की, बैक स्पेस की का मतलब किसी कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए, लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को। टैप का मतलब मल्टीपल स्पेस देने के लिए, जैसे हम लोग स्पेस करते हैं थोड़ा सा स्पेस आता है, जैसे टैप बटन को प्रेस करेंगे तो ज़्यादा स्पेस आएगा, मल्टीपल स्पेस देने के लिए। एस्केप की, किसी प्रोग्राम को एस्केप करने के लिए, कोई से भी प्रोग्राम अचानक से आ जाता है कंप्यूटर में, कोई सा विंडो ओपन हो जाता है तो उसको हटाने के लिए हम लोग एस्केप की का यूज़ करते हैं। डिलीट की, डिलीट की का यूज़ किसी ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए, डिलीट करने के लिए। डिलीट की जैसे इसका यूज़ दो तरीके के यूज़ किया जाता है, प्रैक्टिकली हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फिलहाल तो अभी हम लोग थ्योरी पार्ट हमारा कवर कर रहे हैं। डिलीट की से जैसे बैक स्पेस हमारा लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को डिलीट करता है, उसी तरीके से डिलीट की से हम जब हम लोग प्रेस करेंगे तो राइट साइड के कैरेक्टर को, वर्ड को हटाने के लिए डिलीट की का यूज़ किया जाता है, और किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए भी।
प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन का यूज जो है स्क्रीन को प्रिंट करने के लिए, कंप्यूटर के करंट स्क्रीन को कैप्चर करने के लिए या प्रिंट करने के लिए। फ्यूज की, इसका यूज जो है हम किसी भी चल रहे प्रोग्राम को रोकने के लिए किया जाता है, फ्यूज की का, या फ्यूज ब्रेक बोल सकते हैं। कंप्यूटर में प्रॉपर्टीज भी देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। कीबोर्ड का पूरा नाम क्या है आप लोग जानते होंगे, कीबोर्ड का पूरा नाम कीज इलेक्ट्रॉनिक एड बोर्ड ऑपरेटिंग ए टू जेड रिस्पॉन्स डायरेक्टली, इस ये कीबोर्ड का पूरा नाम है कीबोर्ड का। इसके यूज़ के अकॉर्डिंग इसका फुल फॉर्म डिफाइन किया गया है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सब की का यूज़ क्या होता है, कौन से सिंबल को क्या बोलेंगे, क्योंकि कुछ कीबोर्ड में एक्स्ट्रा सिंबल भी होते हैं। तो सब सिंबल को हम लोग आने वाले नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे कि कौन से सिंबल को क्या बोलेंगे, जैसे कि हमारे एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट।